जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फजल इब्न वेलफेयर ट्रस्ट की सिविल हॉस्पिटल की जो ब्रांचें हैं यहाँ ख़वातीन का काफ़ी रश है। ये सब एप्लीकेशंस लेकर आई हुई हैं जमा करवाने के लिए, क्योंकि रमज़ान राशन के हवाले से और दूसरे मसले मसाइल उनके हवाले से। और ये आप देख रहे हैं हमारे चार्ज जिन्हें चेक कर रहे हैं सबकी एप्लीकेशन, और इसमें कोई किसी चीज़ की कमी पेशी है तो उनसे पूछ के इसमें लिख रहे हैं, ताकि ये कि लोगों की सब चीज़ें वो सब डिटेल्स हमारे पास आ जाए। वजह यही है कि आप देखेंगे नीचे से हम चेक करते हुए ऊपर जो एप्लीकेशन आ रही हैं ख़वातीन लेके, क्योंकि यहाँ पे एक ख़वातीन है उनके भी मैं आपसे दिखाऊंगा वीडियो कि उसमें वो जमा कर रही हैं। इसमें देखें प्रॉपर सबकी एक पिक्चर्स है, NIC कॉपी है, बिल की कॉपी है, और जो भी इनके मामलात हैं राशन के हवाले से या कोई एजुकेशन के हवाले से और दूसरे दीगर मामला सब चल रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने अपनी तकलीफ़ें और परेशानियां बताई हुई हैं। और ये काफ़ी बड़ी तादाद है जो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन लेकर आते हैं, फिर अपने मसले मसाइल बताते हैं। अब मंथली राशन हमारा चल रहा है, रोज़गार की स्कीम्स चल रही हैं, और दूसरे दीगर हमारे मतलब बच्चों की स्कूल की फ़ीस और बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो हम यहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो सब जो हेल्प कर रहे हैं आप लोगों के तावुन से हो रही है, ये आप लोगों के बिना तावुन तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब आपके तावुन से सब मामला चल रहे हैं। मतलब ये है कि आपको पता है रमज़ान है तो लोगों के साथ परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं और बड़े मामला हैं, लोग बीमार हैं इतने, उनकी बीमारी के मामला, उनके इलाज के मेडिसन इतनी महंगी हैं, ये सब चीज़ें हमने करनी है। अब ये जो आप देख रहे हैं ख़वातीन जो हमारे सामने आ रही हैं और ये एप्लीकेशन जमा करवा रही हैं, इनकी प्रॉपर इनके सारे मसले मसाइल सुनकर फिर वो आगे सबमिट कर रहे हैं, उनको बकायदा टोकन नंबर सीरियल नंबर सब उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि इनके पास हमारा रिकॉर्ड होता है कि भाई आपने हमें एप्लीकेशन सबमिट करवाई है तो ये सीरियल नंबर है, ये टोकन नंबर है, तो इस टोकन नंबर से वो अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या स्टेटस है। तो बताने का मकसद यही है और दिखाने का मकसद यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये हमारा सिस्टम है और रोज़ाना की बुनियाद पे लोग आ रहे हैं, एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं, कोई राशन के हवाले से, कोई रोज़गार के हवाले से, कोई दीगर अपनी तकलीफ़ों के मामला या कोई बीमारी की वजह से आ रहे हैं। ये सब हमें इन सब के वो एक तरह से सबके साथ ही हमें चलना है और सबकी जो चीज़ें हैं देखते हुए हमें तआवुन करना है लोगों के साथ, और ये तआवुन आपको हमारे साथ सबसे पहले करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें ज़कात की मद में और दीगर मतलब अतियात के तौर पर आप हमें डोनेशन दें। आप हमारे ऑफिस आके विज़िट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप हमसे डिटेल्स ले सकते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आप डायरेक्ट करें, ज़रूरी नहीं है आप ख्वाजा इब्न वेलफेयर ट्रस्ट को आके दें। जो काफ़ी हमारे पास जो ऐसे एप्लीकेंट्स जमा हैं आप उनसे हमारे से कॉन्टेक्ट ले लें, आप उनके पास खुद जाएँ, आप खुद उनकी हेल्प करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फ़ायदा पहुँचा सकें। तो आप हमारे ऑफिस आ जाएं, विज़िट कर लें, लोगों की हेल्प करनी है हमें। अभी रमज़ान आ गए, आपको बताया ज़्यादातर लोग रमज़ान के राशन के हवाले से या बच्चों की स्कूल की फ़ीस के हवाले से, कपड़ों के हवाले से, इस तरीके से हमारे एप्लीकेशन जारी होती हैं, और हमें यही अपने जो मुखिर आज़ाद उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा तआवुन करें ज़कात के मद में और दीगर मद में। जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप कोई सिलाई मशीन का आप काम कर रहे हैं, आप कोई बड़ी आपके पास सिलाई मशीन के हवाले से आपकी कोई दुकान है, तो आप हमें कोई एक आधी सिलाई मशीन डोनेट कर दें, या आप ज़्यादा कर सकते हैं, या ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आप जैसे हमारे पास अभी विंटर का था, तो बहुत सारे लोगों ने हमें जैकेट्स और स्वेटर्स, गर्म कपड़े, मुख्तलिफ जो जिन जिन के जो काम थे वो अपने हिसाब से उन्होंने हमें डोनेट किया ज़कात की मद में, दीगर मद में। तो आप भी हमारे साथ तआवुन कर सकते हैं हर लिहाज से, हर तरीके से, बस आपका भरपूर तआवुन ही चाहिए, जिसकी वजह से हम आगे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकेंगे। क्योंकि आपको पाकिस्तान के हालात पता है कि किस महंगाई का दौर है और किस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान चल रहा है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास आएंगे। तो हम जैसे इदारे और आप जैसे लोग जो हमारे साथ तआवुन फरमाते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तआवुन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने का आपको बहुत शुक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप।